आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बड़ी खबर की, जहां बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी की ये दूसरी लिस्ट आज जारी होगी, जहां लंबे समय से लगातार बैठक चल रही थी। टीवी स्क्रीन पर हम आपको नाम भी दिखा रहे हैं, जहां नागपुर से गडकरी को टिकट मिला है, और आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री है अनुराग ठाकुर, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 195 नाम शामिल थे प्रत्याशियों के। उसमें मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश से भी 24 नाम शामिल थे। 5 सीटों पर अब भी संशय बना हुआ था, और इसी को लेकर ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि जो नितिन गडकरी है वो नागपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, और उसके साथ ही अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें भी बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो दूसरी लिस्ट में 72 नामों का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने 195 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी, उसके बाद में दूसरी लिस्ट में 72 नाम शामिल है, जहां पर ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव काफी करीब है, और इसी के तहत बीजेपी लगातार अपनी रणनीति को लेकर काफी ज्यादा सजग होती हुई नजर आई। देर रात तक के बैठकों का दौर भी शुरू हुआ, जहां पर एक के बाद एक दिल्ली में बैठक भी हो रही थी, और करनाल से मनोहर लाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो देखिए, ये लिस्ट हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। तमाम जो मंथन था, चिंतन था, उसके बाद में ये दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है। 72 नाम इस लिस्ट में है, जहां पर आपको टीवी स्क्रीन पर नाम भी बता रहे हैं, जहां पर 72 नामों का ऐलान कर दिया गया है। नितिन गडकरी को नागपुर से लोकसभा चुनाव में उतारा गया है, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को टिकट दिया गया है, तो वहीं करनाल से मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में जिस प्रकार से राजनीति में और सियासत में बदलाव देखने को मिला, उसके साथ ही आपको बता दें कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद में मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया था। इसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं मनोहर लाल को लोकसभा चुनाव में उतार सकते हैं, ठीक वैसा ही हुआ। जहां पर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ चुकी है, और इसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी कि तमाम जो दिग्गज नेता है वो इस लिस्ट में शामिल है। और अब छिंदवाड़ा, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, आपको बता दें कि छिंदवाड़ा से विवेक साहू को टिकट दिया गया है। इनका नाम का जिक्र लगातार किया जा रहा था, और ठीक वैसा ही हुआ। बालाघाट की बात कर ली जाए तो बालाघाट से भारती पारत को प्रत्याशी बनाया गया है, धार से सावित्री ठाकुर उम्मीदवार है। तो देखिए, एक के बाद एक बीजेपी ने महिला उम्मीदवारों पर भी दांव चला है। हमने देखा कि कांग्रेस की लिस्ट, जिसमें कई सारी महिलाओं को मौका नहीं दिया गया, लेकिन बीजेपी की लिस्ट उसके उलट देखी जाए तो बीजेपी में महिलाओं को भी मौका मिला है। और मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। छिंदवाड़ा, जहां पर सभी की नजर थी, और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो देखिए, छिंदवाड़ा में नकुलनाथ जो कि कमलनाथ के बेटे हैं वो सांसद हैं, और उसके बाद उनको एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। और अब छिंदवाड़ा से विवेक साहू जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, यानी कि नकुलनाथ और विवेक साहू के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। उसके साथ ही बालाघाट पर संशय बना हुआ था, अब बालाघाट से भारती पारत को प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए, महिला प्रत्याशी है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे बड़ा फायदा होता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि एक सीधा संदेश जाएगा कि जिस प्रकार से सरकार कोशिश कर रही है, इसी के मद्देनजर अब कहीं ना कहीं महिला प्रत्याशियों पर भी बीजेपी यहां दांव लगाती हुई नजर आ रही है। धार से बात कर ली जाए तो देखिए, धार से सावित्री ठाकुर का नाम लगातार सामने आ रहा था, और इसी के तहत अब सावित्री ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है। और ये कहा जा रहा था कि इंदौर और धार, ये दो सीटें ऐसी हैं जहां पर महिला प्रत्याशी बीजेपी शायद चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन ठीक वैसा ही हुआ। और देखिए, छिंदवाड़ा, बालाघाट और धार 5 सीटें हैं, जिनमें उज्जैन की बात कर ली जाए, और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उज्जैन के साथ ही इंदौर की बात कर ली जाए तो 2 सीट अब भी उनके नाम शामिल नहीं है। लेकिन अगर बात करें छिंदवाड़ा, बालाघाट और धार की, तो 3 सीटों पर, तो 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। और सबसे बड़ी बात कि इन लोकसभा सीटों में बीजेपी ने कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन पर दांव भी लगाए हैं। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए, अनुराग ठाकुर जो कि हमीरपुर से चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे, केंद्रीय मंत्री है, और उसके साथ ही नितिन गडकरी जो कि नागपुर से लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी की ओर से, और सभी की नजरें छिंदवाड़ा पर टिकी थी कि आखिर छिंदवाड़ा से बीजेपी की ओर से
कौन सा प्रत्याशी होगा। और देखिए छिंदवाड़ा पर इसलिए भी नजर, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि 29 की 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की बीजेपी इस बार जीतने वाली है, तो जो लक्ष्य रखा गया है उसमें प्रत्याशियों की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब ऐसे में विवेक साहू और नकुलनाथ के सामने सीधी टक्कर देखने को मिलने वाली है। तो दूसरी लिस्ट, पहली लिस्ट में 195 नाम शामिल थे और उसके बाद में बीजेपी की लगातार मंथन, चिंतन और विश्लेषण के बाद दूसरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है जिसमें 72 नाम शामिल है। और देखिए टीवी स्क्रीन पर ये आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे कि कौन कौन से प्रत्याशी है जिस पर इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी दाव लगाती हुई नजर आ रही है। तो इंदौर से शंकर लालवानी चुनाव लड़ेंगे, उज्जैन से अनिल फिरोजिया को टिकट दिया गया है, धार से सावित्री ठाकुर, बालाघाट से भारती पारत को प्रत्याशी बनाया गया है और छिंदवाड़ा से विवेक साहू को टिकट दिया गया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर दूसरी लिस्ट को किस प्रकार से देखते हैं। मनोज जी, अगर बात करें दूसरी लिस्ट की बीजेपी की, तो देखिए 72 नाम शामिल है, यहां पर महिलाओं पर भी दाव लगाया गया और उसके साथ ही कई ऐसे दिग्गज नेता है जो कि इस लिस्ट में शामिल है, किस प्रकार से देख रहे हैं और किस प्रकार से आप इन लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी है उनका आकलन कर रहे हैं? देखिए अगर मध्य प्रदेश की बात करें सबसे पहले अनुपमा, हम कह सकते हैं कि महिलाओं पर बीजेपी ने ज्यादा फोकस किया है जी। पहले जो 24 नाम घोषित थे उसमें 4 महिलाओं को टिकट दिया गया था और आज जो बचे हुए 5 नाम है उनमें फिर 2 महिलाओं को मैदान में उतारा गया है। सावित्री ठाकुर 2014 में धार से बीजेपी ने उनको टिकट दिया था, भारी बहुमत से वो चुनाव जीती थी, लेकिन 2019 में उनका टिकट पार्टी ने काट दिया था, लेकिन 2024 में फिर से उन पर दाव लगाया गया है। भारती पारदी एक नया नाम है, डॉक्टर भारती पारदी, क्योंकि यहाँ से कई सारे नेता चुनावी होड़ में थे, गौरीशंकर बिसेन जी जो कि विधानसभा का चुनाव हार गए थे वो खुद चाह रहे थे उनको टिकट मिल जाए, उसके पहले पार्टी ने ढाल सिंह बिसेन को टिकट दिया था, वो सांसद का चुनाव जीते थे लेकिन उनका विरोध चल रहा था। इसके साथ ही तमाम सारे और कई सारे नेता वहाँ से चाह रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए लेकिन उनको टिकट मिल नहीं पाया था, लेकिन ये लग रहा था कि शायद किसी और चेहरे को नाम मिलेगा, लेकिन एक महिला पर बीजेपी ने वहाँ से दाव लगाया है। अनिल फिरोजिया उज्जैन से, उनके बारे में कहा जा रहा था कि पार्टी उनका टिकट काट सकती है क्योंकि पहली ही सूची में उनका नाम घोषित नहीं किया गया था, लेकिन इस सूची में उनके नाम पर मोहर लग गई है। शंकर ललवानी बीजेपी के प्रत्याशी थे, पिछली बार लगभग 4.5 लाख वोटों से जीते थे और पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था, और पिछले दिनों जब कैलाश विजयवर्गीय जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उन्होंने हर्ष प्रयास में कहा था कि मुझे खबर मिली है शंकर ललवानी का टिकट कट गया है, तो ये माना जा रहा था कि संभवतः उसका टिकट कट गया है और किसी महिला को वहाँ से दाव लगाया जा सकता है। उसमें दिव्या गुप्ता के साथ साथ कई सारे और नाम रेस में बने हुए थे लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से शंकर ललवानी पर दाव लगाया है, तो कह सकते हैं। इसके साथ ही विवेक वंटी साहू बीजेपी के छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष हैं, पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे, पहले उपचुनाव में लड़े थे, वो कमलनाथ के खिलाफ विधानसभा का चुनाव हार गए थे और लोकसभा में विधानसभा इसके बाद लोकसभा में उनको एक बार पार्टी ने फिर से उनके खिलाफ उनको अजमाने का प्रयास किया, क्योंकि पिछली बार नथन शाह जब लड़े थे नकुलनाथ के खिलाफ तो ये लीड घड़कर 37,500 पर आ गई थी और विधानसभा चुनाव में बंटी साहू ने कड़ी टक्कर कमलनाथ को दी थी। अब ये माना जा रहा है कि यह भी एक रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है और उसकी एक वानगी अभी आज हमको देखने को मिली है, जब नकुलनाथ की पत्नी जो पहली बार आज खेतों में दिखाई दी, उन्होंने महिलाओं से बात की और फसल काटते नजर आई। दूसरी एक बात करें तो इस लिस्ट के कुछ नाम ऐसे, नितिन गडकरी की बात करें, पहली लिस्ट में जब नाम नहीं आया था तब से लेकर उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना प्रमुख हैं और वो लगातार कहते रहे थे कि पार्टी गडकरी का अपमान कर रही है, वो अगर कहें तो हम उनको टिकट दे सकते हैं। अनुराग ठाकुर बड़ा चेहरा है केंद्रीय कैबिनेट में, वो मंत्री हैं, हमीरपुर से उनको टिकट दिया गया है और आज ही इस्तीफा देने वाले, करनाल से विधायक का टिकट से देने वाले और कल जिनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था हरियाणा के मुख्यमंत्री पूर्व मोहनलाल खट्टर, वो करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ज्यादातर सीटें हमने देखा इसमें कर्नाटक की लगभग 26 सीटों की घोषणा कर दी गई है, नॉर्थ ईस्ट की कुछ सीटें हैं, तो बीजेपी ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि 250 के आसपास लगभग अपनी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और कांग्रेस दोनों लिस्ट मिलाकर भी 100 तक नहीं पहुंच पाई है जी। मनोज जी, अगर हम बात करें सबसे पहले छिंदवाड़ा की, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की राजनीति को देखें तो बीजेपी की कहीं ना कहीं इस बार नजर है छिंदवाड़ा पे। नकुलनाथ जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से यहां पर विवेक बंटी साहू को प्रत्याशी बनाया गया है, तो किस प्रकार से देखते हैं कि क्या एक कड़ी टक्कर यहां पर विवेक बंटी साहू
नकुलनाथ को देते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए निश्चित तौर पर जैसे मैंने बताया कि विधानसभा में कमलनाथ 23,000 वोटों से उनसे जीत पाए थे जी, तब भी ये माना जा रहा था कि ये कड़ी टक्कर है, क्योंकि कमलनाथ ने उपचुनाव लड़ा था अपने जो समर्थक दीपक सक्सेना उनसे इस्तीफा कराकर वो उपचुनाव लड़े थे विधानसभा का, और एज ए मुख्यमंत्री रहते वो चुनाव उन्होंने लड़ा था, उसके बाद इतने कम मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। इसके पहले हमने देखा था वो जिलाध्यक्ष जब से बनाए गए थे लगातार वो संघर्षरत रहे थे, कमलनाथ और नकुलनाथ के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे, तो पार्टी ने कह सकते हैं कुछ और नाम भी थे जिसमें उत्तम ठाकुर है उनके पिता, वो प्रेम नारायण ठाकुर दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं, खुद प्रेम नारायण ठाकुर बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं अमरवाड़ा से, उत्तम ठाकुर चुनाव लड़ चुके हैं अमरवाड़ा से, चुनाव हार गए थे वो। मोनिका शाह बट्टी पर भी पार्टी में एक धड़ा चाह रहा था कि उनको मैदान में उतारा जाए, लेकिन पिछले चुनाव में अमरवाड़ा से चुनाव लड़ी थी मोनिका शाह बट्टी और वो चुनाव हार गई थी, तो ऐसे में बंटी विवेक बंटी साहू को उपयुक्त उम्मीदवार माना जा रहा था और काफ़ी सोच विचार और मंथन के बाद पार्टी ने उन पर दाव लगाया था, और कांग्रेस भी इसको हल्के में नहीं ले रही और खुद कमलनाथ भी। पहले खबर आ रही थी कि कमलनाथ को जबलपुर से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कल पत्रकारों से जब बात की थी छिंदवाड़ा में तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि मैं छिंदवाड़ा छोड़कर नहीं जाऊंगा जी। और जब कल सूची आई थी तो नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया था, तो ऐसे में कमलनाथ जानते हैं कि अगर वो लोकसभा चुनाव में वो भी उतर जाते हैं छिंदवाड़ा बालाघाट या किसी अन्य सीट से भी, तो ऐसे में बीजेपी पिता पुत्र दोनों की घेराबंदी कर देगी, तो न केवल कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ जाएंगी बल्कि नकुलनाथ के सामने भी संकट हो सकता है, क्योंकि कमलनाथ के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, वो खुद अभी वर्तमान में छिंदवाड़ा से विधायक हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी 2 महीने पहले जो चुनावी नतीजे आए थे दिसंबर में उसमें पार्टी की करारी बाहर के बाद उनको हटाया गया था और जीतू पटवारी को कमान दी गई थी, ऐसे में उनका अपना पूरा फोकस अपने बेटे नकुलनाथ के सियासी भविष्य को लेकर है, और नकुलनाथ के बारे में भी खबरें आ रही थी बीच में कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं जी। हमने देखा था उन्होंने अपने ट्विटर के जो एक्स है उसके बायो से हटा दिया था, अपने घर पर उन्होंने भगवान राम का एक भगवा झंडा लगा लिया था, पिता पुत्र अचानक छिंदवाड़ा से हेलीकॉप्टर से भोपाल आए थे और चार्टर प्लेन से दिल्ली गए थे, और ये माना जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से बात बन नहीं पाई, उनके समर्थक मुखर होकर सामने आ गए थे, चाहे वो सज्जन सिंह वर्मा हो, दीपक सक्सेना हो, ये तमाम सारे लोग, और ये लग रहा था कि वो चले जाएंगे, लेकिन सिख दंगों के दाग के कारण, चूंकि बीजेपी को आशंका थी कि इसके कारण उनको पंजाब में दिल्ली हरियाणा में नुकसान हो सकता है, इसलिए पिता पुत्र की वापसी बीजेपी में जो शामिल होना था वो टल गया, और उसके बाद से कमलनाथ और नकुलनाथ कांग्रेस में बने हुए, तो एक संकट उनके सामने है कि बीजेपी ने इस बार पूरा फोकस, पिछले चुनाव से हम बात कर रहे हैं 2014 के बाद जब पार्टी 2 सीटें हारी थी गुना और छिंदवाड़ा, पार्टी ने पूरा फोकस उन दोनों सीटों पर किया था, और 19 में केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1.25 लाख वोट से गुना से हरा दिया था, हालांकि सिंधिया 2020 में बीजेपी में आ गए थे और पार्टी ने एक बार फिर से उनको केपी यादव का टिकट काट के उनको ग्वालियर गुना संसदीय शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतारा है जी। अब नकुलनाथ और कांग्रेस कमलनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि छिंदवाड़ा के गढ़ को बचाए रखना है, क्योंकि 4 दशक तक कमलनाथ ने वहाँ का नेतृत्व किया है और एक बार वो उपचुनाव में सुंदरलाल पटवा से 97 में चुनाव हारे थे, इसके बाद से उनकी पत्नी अलका नाथ वहाँ से सांसद रह चुकी है, बेटा नकुलनाथ पिछले चुनाव में जीता था दोबारा मैदान में, खुद कमलनाथ वहाँ से आधा दर्जन से ज़्यादा बार चुनाव जीत चुके हैं, तो पिता पुत्र का पूरा फोकस अब छिंदवाड़ा पर और पूरे बीजेपी का पूरा फोकस अब छिंदवाड़ा पर है कि इस बार पूरा 29 की 29 सीटें पार्टी को वहां से चुनाव जीतकर बीजेपी को वहां से चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है जी। अगर हम बात करें महिलाओं की तो कहीं ना कहीं चाहे बीजेपी हो कांग्रेस इस बार पार्टियों के लिए महिला वोटर्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और लगातार हम घोषणाएं भी देख रहे हैं कि महिला वोटर्स को ध्यान में रखकर ही लगातार घोषणाएं दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो देखिए जिस प्रकार से 29 लोकसभा सीटों में हम प्रत्याशी को देख रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशियों को, तो काफी ज्यादा महिलाओं को यहां पर तवज्जो दी गई है, प्रत्याशी बनाए गए, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हालांकि अभी 10 ही प्रत्याशी सामने आए हैं लेकिन उनमें भी महिलाओं की भागीदारी साफ तौर पर नजर नहीं आ रही। ऐसे में क्या समझा जाए कि कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी के लिए फायदा हो सकता है और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये घातक भी साबित हो सकता है? लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी की बात करें अगर अनुपमा हम, तो बीजेपी का पूरा फोर्स महिला वोटरों पर है जी, और बीजेपी के वोट शेयर जो लगातार बढ़ा उसमें महिला वोटरों की एक बड़ी आबादी है, तादाद है। पिछले चुनाव की बात करें, विधानसभा की बात करें हम, तो कहा गया था कि लाडली बहना स्कीम गेम चेंजर साबित हुई बीजेपी को और बड़ी संख्या में उसको वोट मिला है। इसी तरह 3 तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट किया था, और प्रधानमंत्री खुद साफ तौर पर कह चुके हैं जो कांग्रेस का एजेंडा है, बाकी विपक्ष जो जाति की राजनीति कर रहा है उसमें प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीबी, उसमें महिलाएं शामिल है, उसमें युवा हैं, आदिवासी और किसान हैं जी। इसीलिए महिलाओं को हमने देखा कि पहली बार मध्य प्रदेश से 6 महिलाओं को
लोकसभा में टिकट दिया गया है। इसके साथ ही जब राज्यसभा के टिकट दिए गए थे 3 लोगों को, उनमें से एक बीजेपी की जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी माया नारोलिया जी, उनको भी हमने देखा राज्यसभा में भेजा है। सावित्री ठाकुर पर दोबारा दाव लगाया है। हिमांद्री सिंह शेडोल से, जो कि कांग्रेस में उनके पिता और माँ सारा नंदिनी सिंह वो रह चुकी सांसद, उनको दोबारा से पार्टी ने मैदान में उतारा। रीति पाठक जो कि सीधी सांसद थी, उनको विधानसभा भेज दिया गया है। इसके साथ ही हमने देखा डॉक्टर भारती पारदी की हम बात कर लें, उनको पार्टी ने मैदान में उतारा। संध्या राय है, पिछली बार भी चुनाव जीती थी भिंड दतिया लोकसभा सीट से, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। तो कुल मिला के इस बार पार्टी ने अपनी महिला संख्याओं की तादाद बढ़ाई है। अभी नई स्कीम प्रधानमंत्री ने शुरू की है ड्रोन दीदी, उसके पहले महिलाओं के लिए शौचालय की बात कर लें हम, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात कर लें, जिसमें सब्सिडी और आने वाले समय के लिए बढ़ा दी है। अब 85 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन मिल रहा है उसमें बड़ी संख्या में महिला हैं। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास महिलाओं के नाम पर दिए जा रहे हैं। तो बीजेपी को ये पूरा पता है कि जो महिला हैं वो बीजेपी के पक्ष में बड़ी संख्या में वोट कर रही हैं, चाहे वो लाडली बहना स्कीम हो। हमने देखा छत्तीसगढ़ में इसी तरह की उन्होंने मेहतारी वंदन योजना शुरू की है, जिसमें महिलाओं को अभी 2 दिन पहले से 1,000 रुपये उनके खाते में डाले जा रहे हैं। तो ये वो गेम चेंजर स्कीम्स हैं महिलाओं से जुड़ी, जिस पर बीजेपी का पूरा फोकस है। और यही कारण है कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाओं को टिकट दे रही है, ओबीसी को टिकट दे रही है। अभी हमने देखा हरियाणा में जो कि पंजाबी हैं मनोहर लाल खट्टर, उनको हटा के सैनी समाज ओबीसी से आने वाले नायब सिंह सैनी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने आज विश्वास मत हासिल कर लिया। तो कमोवेश पूरे देश में बीजेपी इसी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बढ़ रही है कि महिला हो, ओबीसी हो, युवा, किसान, गरीब और आदिवासी, इन पर बीजेपी का पूरा पूरा फोकस है। और यही उस पूरे हम देख रहे हैं 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसके जब नतीजे आएंगे तो जब हम उसका विश्लेषण करेंगे तो आप ये यकीन मानकर चलिए कि महिला और ये तमाम सारे जो तबके हैं जिनका मैंने जिक्र किया या प्रधानमंत्री का जिन पर फोकस है, वो इस लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो भाजपा ने नारी शक्ति की बात कही थी, सशक्तिकरण की बात कही थी, अब उसी राह पर कांग्रेस भी चलती नजर आ रही है। क्योंकि मनोज जी आज मैं पढ़ रही थी जिसमें महालक्ष्मी गारंटी और आधी आबादी पूरा हक, शक्ति सम्मान जैसी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसकी कांग्रेस की ओर से घोषणा की जा रही है। तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा की राह पर कांग्रेस भी चलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम बात करें नहीं, तो जो आपने जिक्र किया है वो अनुपमा स्कीम्स की बात है जी, लेकिन उन स्कीम्स का भी लाभ मिलने नहीं लगा, चाहे वो हिमाचल की बात कर लें चाहे हम कर्नाटक की, इक्का दुक्का स्कीम पूरी हुई तेलंगाना की जी। लेकिन अगर मध्यप्रदेश की हम बात करें, लाडली बहना स्कीम, वो चुनाव से 6 महीने पहले लॉन्च हो गई थी, चुनाव आते आते 4 महीने तक महिलाओं को उसका लाभ मिल गया था। उज्ज्वला की बात कर लें, महिलाओं के आवास की बात कर लें हम, या शौचालय की बात करें, वो करोड़ों की संख्या में महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है। 3 तलाक का लाभ मुस्लिम महिलाओं को देखने में नजर आ रहा है, क्योंकि हर दूसरे दिन इस प्रकार की घटना होती थी, अब इक्का दुक्का घटना कभी कभार सुनाई दे रही है। दूसरी बात है कि बीजेपी बात कर रही है इसके साथ टिकट में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अगर वो 29 में से 6 महिलाओं को टिकट दे रहे हैं जी, यानी लगभग 20% से ज्यादा ये आंकड़ा होता है। मध्यप्रदेश के संदर्भ में बात करें, पहले 10-11% से ज्यादा ये आंकड़ा हुआ नहीं करता था, अधिकतम 4 महिलाओं को बीजेपी यहाँ टिकट देती थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 6 हो गई है। राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा, आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता था। इसके पिछले बार हमने देखा था कि सुमित्रा महाजन को उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष बनाया था, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है। अगर कांग्रेस की बात करें, जो 10 उम्मीदवार उन्होंने दिए हैं जिसमें से 3 विधायक हैं, 2 पूर्व चुनाव लड़ चुके हैं, उनमें से अभी तक 10 में से एक भी महिला उम्मीदवार कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में नहीं उतारी है जी। बिल्कुल, तो इंतजार करना पड़ेगा और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस की ओर से महिला प्रत्याशियों पर किस बार किस तरीके से दाव लगाया जाता है। फिलहाल अगर मनोज जी हम बात करें तमाम प्रत्याशियों की और विधानसभा क्षेत्रों की, तो 2023 के विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया था उसमें कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो उत्तरी भारत में स्ट्रांग होती हुई नजर आई थी और दक्षिणी भारत में कमजोर। उत्तरी मध्यप्रदेश जी जी, अगर हम तो पूरे देश की बात करें तो मनोज जी, और वहीं अगर दक्षिण की बात कर ली जाए तो दक्षिण में कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस स्ट्रांग होती हुई नजर आई थी और दोनों ही पार्टियों की ओर से ये कहा जा रहा था कि जिस क्षेत्र में हम कमजोर हैं वहां पर प्रत्याशियों को पहले ही चुनावी मैदान में उतार दिया जाएगा ताकि उन्हें लंबा समय मिल जाए। लेकिन दोनों ही पार्टियों की पहली लिस्ट पर अगर नजर डाली जाए तो जहां पर वो ज्यादा स्ट्रांग थी वहीं पर पहले प्रत्याशी उतारे गए, ऐसे में किस प्रकार से इसे देखा जाए? देखिए कांग्रेस की बात करें तो उनको दक्षिण से पूरी उम्मीद है, जो सर्वे भी आ रहे हैं, खुद राहुल गांधी पिछली बार वायनाड से लड़े थे और कांग्रेस को बड़ी संख्या, जो अगर कांग्रेस जो 50-60 के आसपास सीट हासिल कर पाई थी, एक बड़ा योगदान उसमें केरल का था और खुद राहुल गांधी वायनाड से जीते थे, हालांकि वो अमेठी से चुनाव हार गए थे। इस बार भी उन्होंने वहाँ के सारे उम्मीदवार घोषित किए और केरल पर फोकस किया, तेलंगाना में हाल में सरकार बनाई और कर्नाटक में।
लेकिन बीजेपी के लिए हमेशा से दक्षिण का द्वार माना जाता कर्नाटक, हालांकि पिछले चुनाव में पार्टी वहाँ चुनाव हार गई है, लेकिन आज हम देखेंगे तो उन्होंने जेडीएस से गठबंधन के बाद अपने तमाम सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए। तेलंगाना में पार्टी को पिछली बार अच्छी सफलता मिली थी, इस बार विधानसभा में उनका वोट शेयर बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। आंध्र प्रदेश में उन्होंने तेलुगुदेशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। केरल में पार्टी का वोट शेयर ओपिनियन पोल बता रही है कि 20% के आसपास जा सकता है और 3 से 4 सीटों को टक्कर देती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस वहाँ लगातार मजबूत नजर आ रही है और बीजेपी को जो उम्मीदें बची हैं, क्योंकि पिछली बार 130 सीटें थी दक्षिण भारत की, उनमें से 29 सीटें कांग्रेस बीजेपी को मिली थी, उनमें से 25 सीटें अकेले कर्नाटक से आई थी जी। केरल की बात कर रहे हैं हम, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं हम, और आंध्र प्रदेश की, यहाँ पार्टी का खाता नहीं खुला था। इस बार बीजेपी का पूरा फोकस दक्षिण भारत में, राम मंदिर के उद्घाटन का समय दर्शकों को याद होगा कि इस प्रकार दक्षिण भारत के लगातार प्रधानमंत्री ने वहाँ मंदिर गए थे, दौरे किए थे, और इस बार भी पार्टी की जो वहाँ ईसाइयों को मनाने का प्रयास कर रही है, हमेशा 26 जनवरी अब आपकी 26 दिसंबर को पार्टी हमेशा होता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री, उनका जन्मदिन मनाती थी सुशासन दिवस के, लेकिन उन्होंने केरल में इस बार क्रिसमस मनाया और बड़ी संख्या में ईसाई लोगों को उन्होंने दावत दी, खुद जेपी नड्डा उनसे मुलाकात की है। तो पार्टी का मानना है कि अगर ईसाई वोट वहाँ बीजेपी के साथ क्लब हो जाता है हिंदू वोट के साथ, तो वहाँ सफलता मिल सकती है। तेलंगाना पार्टी को उम्मीद है कि बीआरएस का जिस प्रकार से प्रभाव हुआ है, चुनाव हारे हैं वो, तो पार्टी को उम्मीद है कि इस बार वो अपना आंकड़ा 4 से बढ़ाकर 6 या 7 कर सकती है तेलंगाना में। बाकी तमिलनाडु में वो गठबंधन में पिछली बार थी AIDMK के साथ, लेकिन इस बार वहाँ भी 2-3 गुट हो गए, पलानीसामी गुट है, वो बीजेपी से गठबंधन का पक्षधर है, लेकिन चुनाव आते आते क्या स्थिति बनती है, क्योंकि अभी तमिलनाडु में अभी बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले। लेकिन कांग्रेस को पूरी उम्मीद है, क्योंकि DMK के साथ उनका गठबंधन है तमिलनाडु में, तेलंगाना में उनको उम्मीद है कि अपने दम पर वो अच्छी खासी सीटें ला सकते हैं, केरल में उनको उम्मीद है कि जो UDF सरकार है उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी, इसका फायदा उनको इस चुनाव में मिल सकता है, और आंध्र प्रदेश में उनको लग रहा है कि पार्टी इस बार कुछ अच्छा कर सकती है। तो कुल मिला के पूरा फोकस कांग्रेस की पूरी उम्मीद है वो दक्षिण भारत में। आप देखिए उत्तर भारत की हम बात करें, पहले कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। जी, पे आपको रुकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ में शबाना भी जुड़ गई है सीधे बीजेपी मुख्यालय से। शबाना, मैं आपका रुख करूंगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो तमाम जो बीजेपी प्रत्याशी है उनके चेहरे स्पष्ट हो चुके हैं, और बीजेपी मुख्यालय में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश के उन 5 नामों पर मोहर लगा दिया गया है जिनको पहली लिस्ट पे रोका गया था। इस बार जो 5 नाम सामने आए उसमें 2 महिलाएं शामिल है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि भाजपा जो है सभी वर्गों को साथ में लेकर चलती है। कहीं ना कहीं भाजपा ने महिलाओं को टिकट देकर यह साबित किया कि भाजपा, विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, सभी में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे किया है। वहीं पुराने चेहरों पर भरोसा जताया, उज्जैन से बात कर लीजिए आप, इंदौर से, कहीं ना कहीं आपने देखा था कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान पुराना सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने उस बयान पर माफी भी मांगी थी और साफ तौर पर कहा था कि वो बयान में मजाकिया अंदाज में दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि फिर से उन्हीं नामों को टिकट दिया गया, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, तो 5 नामों का ऐलान कर दिया है। अब चूंकि कांग्रेस की बारी, ऐसे में कांग्रेस जो है धीरे धीरे करके अपने प्रत्याशियों का जो है नाम सामने ला रही, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस भी किन नामों पर मोहर लगाती है। सबसे चर्चित सीट छिंदवाड़ा की, जहां पे नकुल नाथ के खिलाफ बंटी साहू मैदान पर है, तो सबसे बड़ी बात है कि यहां पर देखने वाली बात होगी कि जो है भाजपा इस बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा जो है एक तरफ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, ऐसे में वहां पर सेध लगाने के लिए यहां पर बंटी साहू पर पार्टी ने भरोसा जताया, तो सबसे बड़ी चुनौती छिंदवाड़ा मानी जाएगी भाजपा के लिए। बिल्कुल शबाना, तो इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रत्याशियों को देखा जा रहा है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी यहां पर नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब तमाम जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मध्य प्रदेश में, 29 के 29 प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस इन प्रत्याशियों को लेकर किस प्रकार का दाव चलती है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम लोकसभा चुनाव में 29 प्रत्याशियों की बात कर ली जाए बीजेपी के, तो यहां पर महिलाओं पर भी फोकस किया है बीजेपी ने, ST/SC नेताओं पर भी फोकस किया और जातिगत समीकरण को भी बखूबी साधते हुए बीजेपी नजर आई है। ऐसे में इंतजार होगा कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का, और देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस की लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल होते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, दिखती रही नादी टीवी, नमस्कार।